ऑलरेडी कुछ बच्चे वैसे ही है, ठीक है, क्वाइट ओके गोइंग स्टार्ट, ओके बिगनिंग, आई वॉज क्वाइट मेसी, ओके ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की पूरी जर्नी, राइट, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से पूरा 4 महीने का हम लोग का इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल के नाम से, राइट। तो इस पूरे गुरुकुल के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं 4 महीने में, दैट आई एम गोइंग टू समराइज यू इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। मैं आपको सिंपल वर्ड में समराइज करता हूँ, मैक्सिमम लोग तो बैच के ही लोग हैं, कुछ लोग नए हैं तो उनको भी आइडिया लग जाएगा। गाइस हम सब लोग देखते होंगे मार्केट में, लोगों के पास नॉलेज है लेकिन लोगों को एक रास्ता नहीं मिलता कि किस तरीके से हम अपने करियर को बिल्ड करें, ठीक है। तो ये मैंने भी देखा कि कई लोग थे, कुछ लोग थे जो मेरे पर्सनल गाइडेंस में थे, डेफिनेटली वो लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं लोगों के साथ एज अ पर्सनल गाइड जुड़ जाता हूँ तो उनके करियर में बूस्ट आ सकता है, ठीक है। वहीं से स्टार्ट होता है अपना सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल, और इससे लोगों को बहुत बेनिफिट होने लगा। फिर मैंने कहा कि चलो इसको बड़े स्तर पर कर किया जाए, तो उसका एक प्रारूप है कि जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का जो 10 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग करते क्या है, एक्चुअली में पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को फिनिश करने का अगर सही टाइम देखा जाए तो लगभग 1.5 साल होता है, अगर मैं 1-1 घंटे डेली पढ़ाऊँ तो। अब 1.5 साल में आप सबको पता है कि आपके अभी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए, ठीक है, प्लस मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा 1.5 साल। तो इसलिए हमने इसको दो तरीके से स्टार्ट किया। एक तरीका किया कि हम 1-1.5 घंटे तक आपके साथ डेली लाइव रहेंगे, 1.5 घंटा मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, क्या बात है, प्रदीप आ गए हैं। उसके बाद 1.5 घंटा मैं आपके साथ लाइव रहूंगा, उस 1.5 घंटे के बाद आपको रिकॉर्डिंग दूंगा 1.5 घंटे की, जो आप घर से वॉच करोगे। तो 1.5 घंटा तो मैं आपके साथ था, 1.5 घंटे लाइव हो गया, तो 3 घंटे हो गए। उसके बाद 2 घंटे का असाइनमेंट देता हूँ, तो डेली आप अगर 5 घंटे लगा दिए तो ये फिक्स मान लो कि आप 2 से 2.5 महीने के बाद आपके अंदर एक अलग से चेंज आ जाएगा। आप स्ट्रक्चर्स का प्रोजेक्ट हाथ में लोगों को सबमिट करने लगोगे, और इस पूरे बैच का टारगेट ही यही है कि आपको मुझे उस लेवल पे लेके जाना है कि कोई अगर स्टेट प्रो पे प्रोजेक्ट दे तो उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की डिटेलिंग करके सबमिट कर सको, ईटैप पे कोई दे तो ईटैप पे प्रॉपर उसको सबमिट कर सको, इस लेवल का नॉलेज आपके पास आना चाहिए। इसके लिए जो जो लगेगा, यानी कि अगर आप लोग डेफिनेटली आप सब लोग किसी न किसी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हमने उसको पार्ट में डिवाइड किया है, हमारा रिसर्च है कि क्या क्या पूछेंगे, और मैक्सिमम अब तक यही देखा गया है कि जितना मैंने बता दिया है उसी के अंदर पूछा गया है। रीजन ये है, हमें पता है वो क्या पूछेंगे। कोई भी एक आरसीसी स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या पूछेंगे, बीम कॉलम फुटिंग स्लैब के बारे में पूछेंगे, जिसके बारे में हर एक प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा देता हूं। आपको कौन कौन से हर एक प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टैट प्रो मतलब जो डेफिनेटली क्या पूछेगा, सामने वाला ईटैप्स पूछ सकता है, आरसीडीसी पूछ सकता है, ईटैप सेफ पूछ सकते हैं, आपसे ऑटोकैड के बारे में पूछ सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर तो हमने सिखा दिया आपको मान लीजिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट में क्या पूछेंगे आपसे, वो कॉन्सेप्ट में कोई भी इंजीनियर आपसे क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई ये बताओ मान लो कॉलम को लेते हो तो कॉलम से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं। मैं ऐसे रिसर्च करके आपको पढ़ाता हूँ। कॉलम के रिलेटेड पहला क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन शेप, देर आर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, तो शेप में बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन लोड्स, बेस्ड ऑन लोडिंग्स, बेस्ड ऑन सिलेंडर रेशियो, बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट, 4 तरह के कॉलम्स होते हैं। अब इसके अंदर भी है बेस्ड ऑन शेप भी 10 टाइप के कॉलम्स है, बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट भी टाइप्स हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कॉलम में और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉलम में कॉलम का साइज, कॉलम का ओरिएंटेशन कितना और कहाँ रखना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग का जो आगे हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कॉलम्स के बारे में ऑल अबाउट। फिर क्या पूछ सकते हैं, कॉलम में बीबीएस कैसे निकालोगे कॉलम का, यही तो पूछेंगे ना। फिर क्या पूछेंगे, कॉलम में एक्सेल लोड कैसे कैलकुलेट करोगे, यही पूछेंगे ना। कॉलम स्टील कैसे उसमें स्टील प्रोवाइड करेंगे, यही पूछेंगे ना। तो मतलब हमें कॉलम पे पूरा रिसर्च कर दिया, अब हम इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। कॉलम वर्ड आया तो जो पूछेगा सामने वाला हम आंसर देने को तैयार है। इस तरह से हमें ट्रेनिंग करनी है, सेम बीम के लिए करेंगे, सेम फुटिंग के लिए करेंगे, सेम स्लैब के लिए करेंगे, और उसके बाद लास्ट में डेफिनेटली ये सब सीखने के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ लोग अभी अभी आ रहे हैं, तो जिसको समझ में नहीं आएगा वो लोग लास्ट में क्वेश्चन भी पूछ लेना, आपको पूरा टाइम दूंगा, ठीक है। और अभी जस्ट मैं अपनी बात कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे जो मेन काम है, एक्चुअली सिविल इंजीनियर गुरुकुल के अंदर रहना सबके बस का नहीं है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर डेली असाइनमेंट करना पड़ता है। मतलब आज मैं आपको एक प्लान दूंगा, कल सुबह आप उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस करके मुझे सबमिट करोगे, फिर मैं डेली उसको चेक करता हूँ। ये इसका खासियत रहेगा कि डेली आपका असाइनमेंट्स चेक किया जाएगा जो भी आपने किया है। तो
तो हमारा जो 1.5 घंटे का सेशन होता है ये डिवाइड होता है 3 पार्ट में। वैसे आपका टाइमिंग पता है ना सबको, मॉर्निंग में 9 to 10:30 इसका टाइमिंग अभी रखा गया है, ठीक है। इन फ्यूचर इसका टाइमिंग इवनिंग में रखा जाएगा 7 to 8:30 ये रखा जाएगा, फिर 7:30 से 9 ऐसा कुछ प्लान करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो शेड्यूल है उसके हिसाब से मेरा केवल अभी मॉर्निंग का टाइम भी मेरे स्लॉट में है, तो मॉर्निंग में 9 to 10:30 हम लोग बैच रख रहे हैं। इस 1.5 घंटे का शेड्यूल कैसा रहता है, पहले आधे घंटे में हम लोग आपके असाइनमेंट्स चेक करते हैं और आपको नया असाइनमेंट्स देते हैं, मतलब नया लाइव प्रोजेक्ट देंगे आपको, और मैक्सिमम 90% प्रोजेक्ट जो रहेंगे वो लाइव प्रोजेक्ट्स रहेंगे, सबसे बड़ी बात ये। लाइव इन द सेंस हो सकता है उस प्रोजेक्ट को मैंने एग्जीक्यूट किया हो कहीं पे, तो वो प्रोजेक्ट आपके साथ रहेंगे। हो सकता है मेरे कोई नई प्रोजेक्ट भी अगर आपके अंदर स्किल आ गया तो मेरा जो नया प्रोजेक्ट आएगा, जैसे इसमें मेरा नया प्रोजेक्ट आया हुआ है तो उसको लोग कर रहे हैं, तो ऐसा आपको डेली असाइनमेंट दिया जाता है, दूसरे दिन सबमिट करते हो, तो एक आधे घंटे के अंदर ये चेक किया जाता है। नेक्स्ट जो आधा घंटा होता है इसमें मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड चीजें बताता हूँ, जैसे कि बताया कभी एक दिन बीबीएस पढ़ाऊंगा, एक दिन एसएफडी बीएमडी पढ़ाऊंगा, एक दिन मोमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, एक दिन आईएएस कोड के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, एक दिन सिविल इंजीनियरिंग में कितने ढेर सारे आईएएस कोड्स हैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, एक दिन IS 800 में क्या पढ़े हैं, IS 456 में क्या पढ़े हैं इसके बारे में बताऊंगा, एक दिन आपको बताता हूँ कि भाई बीबीएस कैसे फाइंड करते हैं चीजों के, एक दिन पढ़ाऊंगा बिल्डिंग बाय लॉ कैसे फॉलो करते हैं, एक दिन पढ़ाऊंगा बीम का ओरिएंटेशन, कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करना चाहिए, एक दिन कॉलम का डेप्थ कैसे डिसाइड करते हैं, बीम का फुटिंग का डेप्थ कैसे डिसाइड करते हैं, फुटिंग को कैसे डिजाइन करते हैं, कॉलम को कैसे डिजाइन करते हैं, मैनुअली भी हम लोग इसके अंदर सीखते हैं। तो ये पूरा लंबा सिलेबस है, तो आई कांट एक्सप्लेन की वर्ड में मैं आपको करूं, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाँ ये जरूर है कि इसके बाद मैं आपको 500 क्वेश्चन का सेट देता हूं, जिसको जिसने तैयार कर लिया तो वो मैक्सिमम चांस है कि उसका इंटरव्यू का क्वेश्चन उसी 500 के अंदर रहेगा, उसको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको लगभग 100 क्वेश्चन देता हूँ एचआर के, मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि कोई भी दुनिया की जो एचआर होगी वो उसी 100 क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। ये क्यों, मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में, तो मुझे पता है कि वो कितना सोच सकते हैं, उसके आगे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस है ये, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगा, बट हमें दिन भर अभी देखो आपसे बात कर रहा हूँ, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, लोग बताते रहते हैं कि सर मुझसे ये पूछा गया, मुझसे ये पूछा गया, मैं उन सब क्वेश्चंस को समराइज करके आपके साथ डेली शेयर करता हूँ। और अपने गुरुकुल में एक और बेनिफिट होता है कि यहाँ पर आपको डेली गाइडेंस देता हूँ कि आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, किस कंपनी के लिए रिज्यूम किस तरह से तैयार करना है। और हर फ्राइडे को जैसे आपसे आपसे गूगल मीट पर बात हो रही है, तो जैसे कि मैंने बोला क्या कि आज कृष्णा वर्मा आपका मॉक इंटरव्यू होगा, वैसे हर फ्राइडे को लगभग सबका ही होता है मॉक इंटरव्यू में, आप बैठते हो मेरे सामने, मैं आपसे स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों ने कुछ वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, तो उससे आपको एक आइडिया लगता है कि यार मैं कैसे परफॉर्म कर पा रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ सर। अगर मेरे सामने अच्छा परफॉर्म कर रहे हो इंटरव्यू में, अच्छा परफॉर्म करोगे, तो आपको टेलीफोनिक कैसे लेना है, एचआर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, सब उसमें डिस्कशन हो जाता है। उसके अलावा कुछ एमएनसीज में जाते हो तो एमएनसीज में ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपने ऐप में ही क्वेश्चन सेट होते हैं, आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ऐसे टेस्ट पेपर मिलता है उसको आप सॉल्व करते हो ऐप पर ही, आपको क्वेश्चंस के नंबर मिल जाते हैं कि आपने कितना परफॉर्म किया। तो जैसे ही ऑटो कैड आपका खत्म होगा, आपका ऑटो कैड का एक टेस्ट होता है, उससे हमें आइडिया लगता है कि आपने काम चोरी किया है या फिर एकदम सामना किया हुआ अच्छे तरीके से। फिर स्टैट खत्म होगा तो स्टैट का होगा, ई टैप खत्म होगा ई टैप, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से एचआर तरीके से, देखो मेरा प्रयास क्या है, किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो क्वेश्चंस मेरे 4 महीने की मेहनत के बाहर ना जाए। साथ ही साथ इसमें हम ये भी प्रयास करते हैं कि आपको ढेर सारे रेफरेंस बता दें, तो मैं आपको बताता रहता हूँ ग्रुप्स में कि यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, अभी मेरा एक स्टूडेंट कॉलेज JEE में सेलेक्ट हुआ, एक स्टूडेंट बैंगलोर में एक कंपनी में सेलेक्ट हुआ, तो हम आपको शेयर करते रहते हैं भाई यहाँ पर ओपनिंग चल रही है अप्लाई कर दो, यहाँ पर ओपनिंग चल रही है अप्लाई कर दो। मैं किसी को फेक प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि जॉब दे देंगे, तुमको ये कर देंगे, बोर्ड में लिख देते हैं, ऐसे घटिया बातें मैं कभी नहीं करता हूँ, ना आज किया ना कभी करूंगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये डेफिनेटली हमें डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट, तो आप लोग करते हो, इसलिए जो है वही मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है, डेफिनेटली आपको डेली बेसिस पे शेयर कर दूंगा कि यहाँ यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, सो दैट कि आप वहां से आइडिया लगा सकें, क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ यहाँ ओपनिंग चल रही है और ये हमें आइडिया लग जाए। चलो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सो दैट कि अभी देखो मेरे कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बसंत हैं, मोहित आ गए हैं, एक छोटा सा समरी दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। बसंत माइक, अब ये वीडियो अपना ऑफ कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक है, नहीं तुम्हारी फोटो आ जाएगी यहाँ पर, शादी के लिए रिश्ता के लिए भेज देंगे तुम्हें। चलो ठीक है, अभी एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोग देख के बताना कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं।
शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बता देना दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बता देना माइक ऑन करके, उसे दिख रहा होगा। लास्ट टाइम मैंने इसको आपको बताया था, बट अभी कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं तो मुझे बताना मेरा फर्ज है, ठीक है? सब लोग अपना अपना टाइम, जस्ट पेशेंस बनाए रखना। अभी आपको सबको टाइम दूंगा क्वेश्चंस पूछने के लिए, एक एक करके जितना क्वेश्चन पूछना होगा सब पूछ लेना, ठीक है जी? तो गुरुकुल में क्या किया जाता है थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। हमारा मेन टारगेट होता है किसी भी तरीके से आपको ऑफिस जॉब के लिए परफेक्ट बनाया जाए, आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सके, जूनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सके, इसका मेरा पूरा प्रयास रहता है। यही हमारा एम है कि आप इंटरव्यू में जाओ तो खाली हाथ ना आओ। मैं क्रेडिट तैयार करना चाहता हूँ कि कोई भी इंटरव्यूअर जब देखे कि सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का स्टूडेंट है जो कि इंटर्नशिप करके आया है, तो वो समझ जाए कि इसका लेवल कुछ हाई होगा। यही मेरा टारगेट है और ये मैं करके रहूंगा, ठीक है? ये हमारा एम है। और इसमें हम लोग जो सिखाते हैं वो क्या क्या सीखते हैं, हम लोग ऑटो कैड, स्टैट प्रो, ई टैप्स, आर सी डी सी, सेफ, मैनुअल डिजाइनिंग, एक्सेल डिजाइनिंग, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखते हैं ऑल स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। ये डेली आधा घंटा सीखते हैं, इसी की सबसे बड़ी नीड है और ये शायद ही सब पढ़ा पाए क्योंकि इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की नीड होती है। इसी में हम लोग वीवीएस पढ़ेंगे, इसी में हम लोग आईएस कोड के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ेंगे, बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ेंगे, रेरा के रूल्स पढ़ेंगे, कॉलम ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, फुटिंग के साइजेस पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन किया, डिफ्लेक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग, सैगिंग, स्ट्रक्चर्स पास कर रहा है कि फेल कर रहा है, कैसे चेक करेंगे, कैसे एरर्स और वार्निंग्स को सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है? इसके अलावा हमारा ये भी कोशिश होता है कि आप क्वेश्चंस पूछो जिससे आपका कॉन्फिडेंस रेज हो, ठीक है? तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर रेज करने का मैं पूर्ण प्रयास करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि गुरुकुल में पर्सनली आपसे डेली हमारा इंटरेक्शन होता है, इसलिए मैं समझ पाता हूँ कहाँ आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक्स्ट्रा हेल्प भी करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। अगर मुझे लगता है कि ये बच्चा थोड़ा सा कम कर पा रहा है तो उसको हम कुछ अलग तरीके से एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं सो दैट कि वो अच्छे से रिकवर कर सके। सॉरी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, सर हाँ स्लाइड नहीं दिख रहा है, हाँ इसीलिए मैंने स्लाइड बोला। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। मैं यही सोच रहा था कोई बोल नहीं रहा है, शायद दिख रहा है क्या, मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना एक बार प्लीज। अभी दिख रहा है क्या? विजिबल। ओके, थैंक यू सो मच, मैं यही सोच रहा था पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में जो हम लोग सीखते हैं वो क्या टारगेट है हमारा, पहले सबसे पहले ये समझो। पहला हमारा टारगेट है सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल का नाम एकदम हाईलाइट करना है। हाईलाइट इन द सेंस कि आपको इतना क्वालिफाई करना है कि आप इंटरव्यू में बैठो तो इंटरव्यू आपका चुटकी में क्रैक हो जाए, सामने वाला जब इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे तो समझ जाए कि यार कुछ हाई पूछना पड़ेगा, लो लेवल की चीजें तो उसको सब आती ही आती है। तो हम उस लेवल का आपके साथ ऑफिस जॉब दिलाने के लिए जो जो चीजें लगेंगी सब सिखाएंगे। 4 महीने बहुत मैं मेहनती हूँ, वैसे मैं अपने बारे में खुद से कैसे बताऊँ, बट काफ़ी मेहनती हूँ, ये विश्वास रख सकते हो, ज़्यादा बेहतर होगा। और इतना मेहनत करूँगा कि आपको दिन रात एक करके बना दूंगा, ये फिक्स है। और इसके अंदर जो सिखाएंगे वो ऑटो कैड, स्टैट प्रो, आर सी डी सी, ई टैप, सेफ, मैनुअल डिजाइनिंग, एक्सेल डिजाइनिंग, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर्स और ऑल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। वैसे मैं बिलीव नहीं करता हूं कि किसी को मुझे बताना पड़े कि मैं क्या सिखाऊंगा, क्योंकि आप डेफिनेटली ट्रस्ट करते हो तभी हमारे पास आते हो, और मैं आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं कर सकता, ना कभी किया हूं। तो इसलिए बस ये बोल सकता हूं कि इसमें जो जो इंडस्ट्री को चाहिए वो मैं आपके अंदर तैयार करके फिक्स कर दूंगा, मतलब माइंड में सेट कर दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। कैसे करूंगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। आपका कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा क्योंकि हर फ्राइडे को आप मॉक इंटरव्यू दोगे, हर फ्राइडे को आप बताओगे हॉगिंग क्यों आ रहा है, सैगिंग क्यों आ रहा है, हॉगिंग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्रीप क्या होता है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो मैं आपसे पूछूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को मैं पर्सनली जानता रहता हूँ, उनको क्या चाहिए, कहाँ उनकी वीकनेस है, उनको पर्सनली बताता रहता हूँ, तो इससे उनकी अंदर इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। जनरली अगर आप वीडियो कोर्स वगैरह लेके पढ़ते हो तो पता नहीं चलता मुझे कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हो, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आपके बड़े भाई की तरह, आपके दोस्त की तरह मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि यार यहाँ जो पढ़ रहे हो ना ये गलत कर रहे हो, मॉडल डिजाइन कर रहे हो तो डिजाइन में तुम अभी लोड ही सही से कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। तो ये सब कुछ मैं पर्सनली आपको डेली गाइड करता हूँ, ठीक है? इसलिए 1.5 घंटा हम आपके साथ रहते हैं। ट्राई टू बिल्ड योर कंसिस्टेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सबने क्या यूट्यूब से सीखा नहीं होगा, क्या आप सबने इंस्टीट्यूट में नहीं सीखा होगा, क्या आप सबने वीडियो कोर्सेज से नहीं सीखा होगा, सीखा होगा,
लेकिन मैं अगर बोलूं कि मुझे एक प्रोजेक्ट करके दिखाओ तो नहीं दिखा पाओगे। रीजन पता है, रीजन यह, एक दो लोगों की बात अलग है, रीजन यह है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी से आपने वहां पर नहीं सीखा, ठीक है। हो सकता है सीखा भी तो आप कंसिस्टेंसी बनाना बड़ा टफ काम है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेली टास्क करना पड़ता है, तो कंसिस्टेंसी बनना आपकी मजबूरी है। और हमारा एक रूल है कि जो 80% अटेंडेंस फिक्स नहीं करता है, हम उसको 4 मंथ का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तो आपको 4 महीने तक 80% अटेंडेंस कम से कम आपको देना ही देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कुछ दिक्कत आएगा तो माइक ऑन कर लेना, अगर स्क्रीन वगैरह कुछ लफड़ा हुआ तो, ठीक है। तो आप लोग सब मेरे लाइक अपने ही लोग हो, तो ऐसा कुछ मत सोचना। ट्राई टू फिनिश योर इंटरव्यू फियर्स, ठीक है। आपके इंटरव्यू का डर रहता है आपके अंदर कि यार पता नहीं मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, लोग क्या पूछ लेंगे, ठीक। ये जो टेंशन है ना आपके अंदर से, ऐसा साफ होगा कि हम, क्योंकि पूरे ट्रेनिंग में करीब करीब हम लोग 10 बार इंटरव्यू देने वाले हैं, और 10 बार में सब क्लियर हो जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है। वी विल गाइड यू बेस्ट कंपनी, कहाँ कहाँ पे कंपनी में ओपनिंग चल रही है और कैसे वहां अप्लाई करना है, क्या वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिज्यूम कैसे बनाना है वहां के लिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। इंडिविजुअली मैं सबको गाइड करता हूँ, ठीक है, और हमेशा करता रहूंगा, ये भी प्रॉमिस है मेरा। क्या करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, पता नहीं क्या है गुरुकुल, सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज है, डेली यहाँ पर टास्क मिलता है, आपको करना पड़ता है, डेली आपको वीडियो देता हूँ वॉच करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही टास्क कर पाओगे। ऐसा टास्क दूंगा कि वीडियो अगर वॉच नहीं करोगे तो टास्क हो ही नहीं पाएगा। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग हमारा मेन फोकस होता है, क्योंकि मुझे पता है किसी से अगर इंटरव्यू निकालना है तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो मैं डेली पढ़ाता हूँ, प्लस घर के लिए भी देता हूँ। वीकली मॉक टेस्ट मैंने बता दिया आपको, लाइव आपका कैट टेस्ट भी लेता हूँ। मतलब एक तो एचआर इंटरव्यू तैयारी होती है, टेक्निकल इंटरव्यू तैयारी होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप कोई अगर रिटन टेस्ट हुआ तो उसकी तैयारी होती है, प्लस लाइव कैट टेस्ट की भी तैयारी होती है। तो किसी भी तरीके से मैं आपको कमजोर नहीं करना चाहता हूँ, हर तरीके से मजबूत करना चाहता हूँ, यही मेरा टारगेट है। जब आप बेटर करने लगोगे तो आपको लाइव प्रोजेक्ट भी देता हूँ, जिससे कि आप और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करो, फील करो कि यार मैंने तो लाइव, मेरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है मेरे प्रोजेक्ट का। और इंटर्नशिप में बहुत बड़ी बात है, इंटरव्यू का सजेशन भी देता हूँ कि कहाँ कैसे क्या करना है। सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे, अब सब कुछ मेरे तरफ से रहेगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है आपको। 4 मंथ का आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बहुत हेल्प करेगा अगर आपका करियर में गैप है, या फिर आप क्या बोलते हैं इंटरव्यू में जा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये आपको काफी हेल्प कर देगा दोस्त। 80% अटेंडेंस, लैपटॉप कंपलसरी है। इसका जो फी रखा गया है वो 20,000 रखा गया है फॉर क्या बोलते हैं आपका 4 मंथ्स का कंप्लीट, प्लस सारे लेक्चर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलते हैं, चाहे स्टैट प्रो हो चाहे ऑटो कैड हो, सब कुछ 20,000 में ही आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। जो बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनकी सैलरी 25 के ऊपर है, उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, 40 के होती है, बट मुझे पता है जो जॉबलेस बच्चा रहे हैं उनको वो कहाँ से ज्यादा पे करेंगे, इसलिए 20 के वो भी पार्ट में आप कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ा हेक्टिक काम नहीं है। मुझे व्हाट्सएप पर आप इन्फॉर्म कर सकते हो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वैसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, बट व्हाट्सएप पे भी आप बता सकते हो पर्सनली डीएम करके कि सर ऐसा ऐसा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी की पूरी होती है, आपको पता ही है, मेरे रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरा रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही प्यारा भी है। स्ट्रिक्ट क्यों, क्योंकि मेरे अगर अपने असाइनमेंट्स करके नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आप इस, क्योंकि मैं क्वेश्चंस का आंसर तब तक नहीं देता हूं जब तक आप कहानी बना के क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, अगर कोई बच्चा अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं उसको आंसर नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं पहले तुम करो, करके दिखाओ कि यहां पर गलत मैं कर रहा हूं, मैं उसको 100% सही करके दूंगा। कैसे होता है, कुछ लोग इंजॉय करते हैं क्वेश्चन पूछ के, तो मैं उनको लाइक नहीं करता हूँ। करो, नहीं आया तब टीचर से पूछो, तो वहां मेंटर का काम होता है, ठीक है। इसलिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ इसके लिए। और ये फिक्स है कि अगर आप मेरे साथ आते हो तो मैं आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर बना दूंगा, इसका फुल प्रॉमिस आपको करता हूं। और डेफिनेटली आप लोग मेरे ऊपर काफी ट्रस्ट करते ही हो, तभी आज मेरे साथ जुड़े हो इस समय। ये रहा मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन, शॉर्ट इंट्रोडक्शंस। अब रहा आपका टर्न, पूछो जितना पूछना हो, एक एक करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जितने क्वेश्चंस हो आपके। मोहित, रशिका, कृष्णा, अमित, आलम, कुछ क्वेश्चन है पूछो, कुछ डाउट है पूछो। बसंत आए हुए हैं, किशन शाह, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है पूछो। हाँ कृष्णा बोलो। सर मैं एक डाउट पूछना चाह हाँ रहा था बोलो बोलो। कि सर जैसे कि मैंने ऑटो कैड अच्छी तरह सीख लिया, स्टैट प्रो सीख लिया, तो इसके करेक्ट। बाद मैं डायरेक्टली क्या मैं अपना ऑफिस भी खोल सकता हूँ अपने एरिया में? डेफिनेटली खोल सकते हो, बट मेरा ये कहना रहेगा कि किसी कंसल्टेंसी में थोड़े दिन वर्क कर लो, ठीक
ठीक है, या फिर जैसे कि हमारे जैसे लोगों के साथ इंटर्नशिप कर लो, या फिर किसी कंसल्टेंसी में कुछ काम कर लो। कैसा होता है, तुमने डिजाइन किया मान लो, अब तुमने क्या सीखा होगा, कहीं इंस्टीट्यूट में सीखा होगा मे बी, या फिर यूट्यूब वगैरह से सीखा होगा। तुमने सही सीखा है, तुम सही से प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसकी क्या गारंटी है, समझ रहे हो? कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके ऊपर आ जाएगा। बेटर होगा कि मेरे जैसे लोगों के कोई भी किसी भी जो तुमको लगता है कि ये इंसान हमको अच्छे से परफेक्ट कर सकता है, उनके बीच में आप इंटर्नशिप करो या फिर कुछ दिन जॉब कर लो, 6 महीने एटलीस्ट कर लो। तो क्या होगा कि जो भी आपके अंदर एरर्स होंगे ना, वो एरर्स आपके खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद काम करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा करोगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि क्लाइंट से बात करते समय, क्योंकि नॉलेज रहेगा आपके पास। कृष्णा, क्लियर है क्या? ओके सर, ओके, चलेगा। और कोई क्वेश्चन, कोई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सुभाषिश, सुभाषिश सॉरी। आपने मेरा नाम गलत किया था हाँ, इंस्टाग्राम अभी सही है क्या? सुभाषिश, पर। हाँ। इंस्टाग्राम पे यार वो समझ में नहीं आता, लोग ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, हम हाँ, लोग को, वो यूजर नेम चेंज होता हाँ, तो वो हमें समझने में बड़ा दिक्कत आता है, ऐसे ऐसे लोग नाम रखते हैं, एम के, अब मैं एम के को क्या बोलूँ? ठीक है, है। चलो पूछो कुछ। हाँ सर, पूछना होता कि आउटलाइन क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन, आवाज। मतलब लेक्चर्स कैसे एक्सेस करें हम, मतलब ऐप से या कोई साइट है। ऐप से, ऐप से, ऐप में ही सारा लेक्चर मैं दूंगा, ठीक है। 10 अगस्त को आपको एक्सेस मिलेगा, जहां से आप पूरे लेक्चर से एक्सेस कर सकते हो, सर ओके। और ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का कैसा। उसी समय मैं तुमको टीच कर दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, पहले ही क्लास में बता दूंगा, ओके सर। ठीक है, चलेगा। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, अरेशिका, एनी क्वेश्चंस और एनीवन एल्स? यस बचन, बताओ। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरे को 3 साल हो गए ऑफिस का सेटअप किए हुए, तो करेक्ट। मेरे को सर अभी भी क्लाइंट से डील करना नहीं आया सर। ठीक ऐसा है, होता है, ठीक है, बस। मतलब कि हाँ कैसे अपन क्लाइंट से डील करें, ये एक चीज ये मैंने देखा सर, मतलब कहीं कोई सिखाता भी नहीं है। ये एक्चुअली कोई सिखा देगा तो उसका टेक्निक जो होता है ना, लोग कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, छोटे माइंड्स के होते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि मैं सिखा दूंगा तो सामने वाला मेरा कंपटीटर बन जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, समझ रहे हो? क्योंकि तो सर ऐसे भी क्लाइंट भी होते हैं सर, जिसमें क्या है कि जैसे अपन ने प्रोजेक्ट दे दिया कोई, मतलब एक बार अपन ने दे दिया उसके बाद वापस आते नहीं, या मतलब जब पैसा देने का टाइम होता है जब देते नहीं, करेक्ट। मतलब काफी ऐसी चीजें होती है सर। देखो क्या होता है, एक चीज बताता हूँ तुमको, कभी कभी जैसे कि अभी हम लोग क्या होता है कि हाफ लोअर पहनते हैं, और हाफ लोअर पहन के सीधे ही किसी दुकान में घुस जाते हैं, आराम से सब्जी लेने चले गए, और उसको बोलते हैं, बड़े ठाठ से बोलते हैं उसको, सब्जी देना 2 किलो आलू ले देना, ठीक है, बड़े ठाठ से बोलते हैं, ठीक है। और इसी की जगह पे मैं आपको बोलूं कि आपके बगल में जो रिलायंस मार्ट है, उसी में आप ऐसे ही हाफ लोअर फटा सा पहन के जाओ, और इसी इसी टैस से बोलो, तो आप नहीं बोलोगे, एग्री? किसी अच्छे शॉप में जी सर, जाके नहीं तुम बोलोगे, राइट? तो यही चीज हमारे साथ होता है एज अ लाइक डेफिनेटली ऑनर। अगर हमारे पास कोई भी इंसान आ रहा है, ठीक है, एज अ क्लाइंट, तो हमें उनको ये फील कराना पड़ेगा कि आप जिस जगह पे आए हो, चीज काफी प्रिसीशियस चीज है। आप ठेले पे जाते हो, जब कभी भी ठेले पे उसको 20 रुपए बोलता है, बोलते 15 रुपए की चड्डी दे दो, राइट? लेकिन कभी भी हम लोग जॉकी के शोरूम में जाके 490 की जॉकी को 480 करने को नहीं बोलते हैं, एग्री? नहीं बोलते सर। एग्जैक्टली सर, राइट, यही चीज हमें अपने क्लाइंट्स के साथ करना पड़ेगा। क्लाइंट के साथ क्या करना पड़ेगा कि देखो भाई, हम क्वालिटी आपको प्रॉपर देंगे, ठीक है, और क्वालिटी के साथ ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली आप में से कई ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इंस्टीट्यूट वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे होंगे, लेकिन हमने एक रूल्स बना रखा है कि भाई हम सॉफ्टवेयर इसी तरीके से सिखाएंगे, ये हमारा वे है। नहीं, यहां पर हमसे कोई कहने आएगा कि सर फीस थोड़ी सी कम कर दीजिए, भाई हमने ऑलरेडी कम कर दिया है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, तुम फॉलो करो। सर इतने दिन अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगा, मत आओ, हम तो आपको बुला नहीं रहे, अगर आप डेडिकेटेड हो, बनना है तभी आओ। तो थोड़ा सा ऐसे आपको करना पड़ेगा अपने वर्क में कि सामने वाला जब आए तो उसको ये समझ में आए कि यहां पर क्वालिटी मिलती है, एंड दे कांट बी कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी थिंग्स, ये बहुत जी इंपॉर्टेंट सर, है, ठीक है। तो आई थिंक यही सबसे बड़ा रूल आपके लिए होगा कि आप ऐसा सिस्टम बनाइए, आपका ऐसा ऑफिस हो, ठीक है, कि मेरे एक अंकल हैं, लॉयर हैं, तो उनका जो फीस है, वो क्रिमिनल लॉयर है, उनका जो फीस है 1.5 लाख रुपए है पर केस, किसी ने आज तक उनको 1,45,000 नहीं दिया, ठीक है। और ऐसे बहुत से वकील होंगे जिनको हम लोगों ने 100-200 भी काम करवाया है, तुम भी किए होगे, हम भी किए हैं, ठीक है। तो अब दोनों का डिफरेंस देख लो, 1.5 लाख रुपए एक क्लाइंट का फीस, और कहाँ 100-200 रुपए में भी बोलते अरे 80 रुपए ले लो, बहुत से कॉलेज टाइम हम लोगों ने एफिडेविट वगैरह किया होगा ऐसा, ठीक है। तो
तुम्हें ऐसा कुछ स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि यस दिस इज द रूल एंड हम इस तरीके से काम देंगे। एक हमारे पास एग्रीमेंट होता है, तुमको लगे तो सैंपल ले लेना, एग्रीमेंट होता है हमारे काम का, इस समय आपको सर इतना काम करके देना पड़ेगा, साइन करके दीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस पे, आपको फुटिंग वर्क करते समय इतना पे करना पड़ेगा, कॉलम वर्क करते समय इतना, दिस इज द लाइक रूल्स, अगर आप नहीं फॉलो करते हो हमारा एग्रीमेंट उसी समय कैंसिल हो जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन खत्म। ठीक है, ओके सामने वाले को समझ आया। हाँ ये जरूरी है कि आप अपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज थोड़ा सा भी मत करो, ठीक है, लगे तो आप उनसे 2 पैसे कम लो लेकिन क्वालिटी इतना हाई दे दो। ठीक है, अभी मेरे पास गुरुकुल में बच्चे इतने ढेर सारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपना पूरा डेडिकेशन लगा दिया हूँ और कोशिश यही है कि और जितना कर सकूँ, क्योंकि इससे कंप्रोमाइज कर दिया तब तो फिर क्या होगा ना, लोग दोबारा नहीं आएंगे आपके पास। क्लियर है? जी सर। ठीक है, मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, हम एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो मेरा एक तो मैंने प्रोजेक्ट मेरा एक लाइक हमारा एसोसिएशन है पूरा, तो एक लड़के को हमने बोला कि तुम प्रोजेक्ट करके दो, 50-50 पे हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। तो मैंने उसको प्रोजेक्ट करके दिया, प्रोजेक्ट था 5.5 लाख रुपए का, और उसने प्रोजेक्ट करके दिया और बहुत ही गंदे तरीके से काम करके दिया उसने, और फिर क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने केवल और केवल 3 लाख रुपए पे किए, 2.5 लाख रुपए रोक लिए, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट था उसमें 4 लाख का था। अब डेफिनेटली अभी मेरे हालत तो खराब होगी यार, 1-1.5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, प्लस उसका 4 महीने का इनकम। तो फिर उसने मुझे कॉल करके बोला कि क्या बोलते हैं, ये पेमेंट नहीं दे रहे इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हमने बोला काम ठीक है नहीं कर रहे हो, बट जितना किए हो वो कैसे किए हो। तो उन्होंने टाइल्स वगैरह का स्लोप सही से नहीं दिया हुआ था। मैंने बोला चाहे अपना लॉस हो जाए वो पैसे न दे चलेगा, लेकिन तुमको काम इतना एक्यूरेसी के साथ करके दे दो जितने का पैसा हम लोगों ने ले चुके हैं, कि जब दूसरा इंटीरियर डिजाइनर आए तो उस लेवल का काम वो छू ना पाए। तो तुरंत उसने क्या किया, सबको हटाया, अच्छे कॉन्ट्रेक्टर लेके आया जो भी टाइल्स वगैरह के थे, उनको बोला एकदम परफेक्ट काम करके दो, मेरा 50-60 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ, और उसके बाद उनको खुद से शर्म आने लगी कि यार इतना अच्छे इसने काम करके दिया है, अब तो इसको पेमेंट देना चाहिए, सारा का सारा पेमेंट वापस आ गया। जी ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग काम पे क्वालिटी रखो बट रूल्स रूल्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलेगा, और किसी को कोई क्वेश्चन है? ये सब बहुत से एक्सपीरियंस, ये मेरा बसंत बहुत ओल्ड स्टूडेंट है, बहुत दिन से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सब एक्सपीरियंस मैं आपको क्लास में शेयर करता रहता हूँ, तो ये सब तो आपको सीखने को मिलेगा। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? हेलो सर, हेलो रशिका। सर क्लास टाइम के बारे में थोड़े थोड़ा हाँ, कंफर्मेशन चाहिए था, क्लास मॉर्निंग में 9 to 10:30 है डियर। और उसके बाद उसके बाद आप उसके बाद इन द सेंस आपको फिर हो गया 9 to 10:30 हमारा क्लास रहेगा डेली, फिर आपको हाँ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे कि आज आपको ये वीडियो वॉच करना है। ठीक है, सपोज अच्छा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 ऑटो कैड का, फिर उसके बेस पर आपको टास्क दिया जाएगा जो क्लास में ही बता दिया जाएगा कि कल आपको ये ड्राइंग्स बना के आनी है। ठीक है, अच्छा फिर आपको सबमिट करोगे उस ड्राइंग को, और जब सबमिट करोगे आप तो दूसरे दिन चेक किया जाएगा, जो एरर रहेगा उसी समय बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद नया टास्क दिया जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू लेक्चर होगा, इस तरीके से चलेगा। बट डेली 9 to 10:30 तक अगर है हाँ तो अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पाया, अगर ऑफिस वगैरह है तो हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग होगा? यस, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, बट उसको बताना पड़ेगा कि सर मेरा ये ऑफिस चल रहा है इसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ दिन के बाद हमारा ये प्लान है कि हम लोग इवनिंग में 7:30 से कर देंगे लेक्चर को टाइमिंग। ठीक है, जैसे कि अभी हमारी एक बैच चल रही है 7:30 से, जैसे ही वो फिनिश होती है हम आपके बैच को इवनिंग में शिफ्ट कर देंगे, तब किसी को कुछ होने। ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर इवनिंग में मत कीजिएगा सर, अरे यार कितने बजे फ्री होते हैं इवनिंग में? इवनिंग में होंगे तो 9 बजे होंगे फ्री। 9 बजे यस सर, चलेगा, चलो तब कुछ और सोल्यूशन देंगे। वैसे मैं तो आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ा मेहनती इंसान हूँ, रात को 12 बजे तक मेरी क्लास चलती है। ठीक है, ओके तो सर, आई विल मैनेज, डोंट वरी। और पर लेट नाइट और चलेगा हाँ, क्या बोले सुभाषिस? सर लेट लेट तो और भी अच्छा होगा, नहीं मेरी लास्ट जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो मेरी लास्ट बैच है 9:30 से 12 o'clock तक है ऑलरेडी, जो रमी रनिंग है, तो मेरे को मतलब मेहनत में कोई वो नहीं है, और उस मॉर्निंग में 7:30 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझ सकते हो मैं कितना हार्डवर्क कर सकता हूँ। चलो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम बीटेक आपका होना चाहिए, बीटेक या फिर बीई होना चाहिए, और ज्वाइन फॉर 4 मंथ्स, यही आपका मेन क्राइटेरिया है, दैट्स इट। और उसके बाद हियर द मेंशन क्वेश्चंस एवर, ओके यही क्वेश्चन होगा, तो आपका मिनिमम आपका बी होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में बी के बिना आपका कैरियर डेवलप नहीं हो सकता है, दैट्स इट, बी बीटेक बस, एमटेक है। सर और अगर अभी करेंटली रनिंग चल रहा हो तो क्या ज्वाइन कर सकता है आपका कोर्स? रनिंग इन द सेंस हाँ रनिंग चल रहा है, बट उसके लिए तुम्हें स्टैट प्रो का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टैट प्रो चल रहा है इस समय।
ठीक है, रनिंग बैच चल रहा है, बट इफ यू कंफर्टेबल तो आप ऐसे कर लो, अदरवाइज 10 दिन रुक जाओ। मुझे अपना सर अपना जो भी तुम्हारा क्राइटेरिया है मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा अभी का नॉलेज थोड़ा बेसिक नॉलेज अच्छा होगा तो तुम अभी रनिंग वाले में कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके कृष्णा जी बताइए, कृष्णा माइक ऑन है, सर डाउट मैं है? हूँ सर मैं एमटेक परसुइंग हूँ। अभी मैंने एडमिशन लिया है कॉलेज में, तो करेक्ट सर मेरा डाउट ये है कि सर आखिरी में जो थीसिस होती है 4th सेम की, तो करेक्ट, सर उसमें आपका प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, इवन और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो तो डेफिनेटली हमारे तो प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट रहेंगे, अगर उस पर रिसर्च कर देते हो, उस पर उनको थीसिस दे देते हो, इससे बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है, कर सकते जी हो। सर, ठीक। ओके और किसी का कोई प्रश्न है? आलम तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तुम्हारे मन में, या फिर सब क्लियर है? ठीक है, जो भी डाउट रहेंगे आप उन लोग मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जस्ट बताने का सर तरीका है। हाँ जी बोलो। सर पूछना था कि जो भी सिखाया जाएगा, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर से आपने बताया करेक्ट और प्लस मैनुअल्स जो डिजाइनिंग सिखाया जाएगा, करेक्ट, तो वो सब ग्राउंड लेवल से सिखाया जाएगा या एडवांस सिखाया जाएगा, वो सब बेसिक से मतलब एडवांस तक, बेसिक से एडवांस तक, बेसिक से स्टार्ट होता है। वो हम ऐसे सिखाते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग न, हमारे माइंड में रखता हूं मैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग न भी किया हो मेरे लेक्चर को समझ जाए, यही मेरा टारगेट होता है। इट्स ओके बिकॉज ड्यू टू कोविड हमारा बहुत, मतलब क्या हालत खराब है उसमें। देखो ब्रदर, टीचर का रोल क्या है, आपको अगर अपने लेवल पर सीखना होता तो आप किताब से ना सीख जाते हैं, ठीक है। आप मेरे पास आए ही हो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, तो हम वो ध्यान रखते हैं, डोंट वरी उसके लिए। और किसी को और सर क्वेश्चन है? पूछना था कि हाँ बोलो। वीकेंड्स पे होते हैं क्लास, मतलब नहीं, संडेज वीकेंड्स पे को? नहीं, सैटरडे संडे नहीं होता है, क्योंकि हमारे और भी काम अच्छा, है, तो सैटरडे संडे हम वो काम करते हैं अपने, और ठीक है। हॉलीडेज पे? हॉलीडेज लाइक अभी कौन सा, जनरली हॉलीडे तो हमारे होते नहीं है, बट जैसे कोई खास है तो अभी भाई करना पड़ेगा ना, आदमी का दिल टूट टूट जाता है ना, तो कुछ खास त्योहार रहते अच्छा हैं तो करते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है, ओके सर। चलेगा। देखो ओके, और किसी कोई प्रश्न है, दिल में कुछ है तो पूछ लो। सर और एक हाँ बोलो, पूछना तुमको था बड़े कि डाउट है? अभी हाँ आज पूछो से पूछो, बहुत सारे थे, हाँ अभी एक साथ पूछो, लिख के रखा हूँ, अच्छा पूछो भूल पूछो। ना जाओ। सर पूछ रहा था कि लास्ट 1 ईयर होगा हाँ आफ्टर 6th और 7th सेम, करेक्ट, ड्यू टू कोविड मैं 3Ds का सब सीख रहा था, सॉफ्टवेयर तो स्केचअप भी, वो सब इंटीरियर्स वगैरह वो सब सीख रहा था। करेक्ट, तो पूछना था कि इन फ्यूचर पर मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन गया, तो आफ्टर दैट मैं इसको पार्ट टाइम यूज कर सकता हूँ क्या, मतलब ये बिल्कुल यूज 3D कर सकते मॉडलिंग हो। वगैरह? ये तो सीधी सीधी बात है कि अगर हमको ट्रक चलानी आ गई, बट हमें अगर कभी खाली है तो हम ड्राइविंग कर सकते हैं कार का भी ना, पैसा कमाने के लिए, हाँ वही। ठीक है, कर सकते हो। अच्छा ओके, और मोहित श्रीवास्तव कुछ आपके क्वेश्चंस हैं पूछ सकते हो, एंड नीलेश, सभी लोग आप क्वेश्चन पूछो यार, लाइक जरूरी नहीं कि आपको गुरुकुल से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ठीक है, हमें अच्छा लगेगा कि आप कुछ चैलेंजिंग पूछ रहे हो, ठीक है। लन बीथ, इन्होंने क्या लिखा हुआ है अपना नाम, ठीक है, परम परम सुंदरम है। हाँ मोहित बोलो। सर, डेबिट स्ट्रक्चर में हम लोग 3D डिटेलिंग जानेंगे, यस, 3D डिटेलिंग जानेंगे बोला, वो मैं इसलिए वो सिखा के कैसे रखता हूँ बाहर देते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हें कल को एज ए 3D डिटेलर काम करना पड़े, तुम्हें इन्हें लगे कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, वो तो सर, इसलिए वो उसके बोलो उसमें ये बोलो। रहेगा कि कैसे हम लोग को प्रोवाइड करना है, बार कहाँ एग्जैक्टली पर कितना लैपिंग रहेगा, ये सर एक बार। एग्जैक्टली, ऑटोमेटिक प्लगइन्स होती हैं, प्लगइन्स को कैसे यूज करना है आई विल टेल यू दैट, ठीक है। सर बीवीएस कैसे प्लगइन आप निकालना ही है, प्रोवाइड करेंगे? यस यस आई विल प्रोवाइड, मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, सारे पीडीएफ्स, सारे सॉफ्टवेयर, सारा कुछ मेरे तरफ से रहेगा, ठीक है, और कैसे इंस्टॉल करना है ये भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है, चलेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सारे क्वेश्चन क्लियर कर लो। हाँ आलम बोलो। सर वो प्लान, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सर प्लान है वो समेशन ड्राइंग वाला जो करेक्ट, ऑटोकैड का स्टडी मटेरियल में सर, तो वो उसमें जो मीटर में सारा है, तो वो मैं फिट में कर रहा हूँ उसमें, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा उसमें। चेंज कर दो यूनिट्स को, बहुत सिंपल है, स्केल करना होता है। देखो कैसे होता है कि कोई भी ड्राइंग चाहे मीटर में हो चाहे फीट में हो, उसको स्केल कर दो,
स्केल करने के लिए मेरा खुद का वीडियो तुम देख लो यूट्यूब पे रखा हुआ है, ठीक है। स्केल कैसे करते हैं, हाउ टू स्केल ऑटोकैड ड्राइंग्स, ये टाइटल है भाई आकाश पांडे, डाल दो, मेरा स्टेप वाइज वीडियो रखा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज ऑटोकैड का जो लेक्चर तुमने शायद ऑल इन वन ले रखा है मुझे लगता है तुमने ना अलग, ठीक है। ऑल इन वन में लेक्चर नंबर 4 या 5 में, जहां नहीं सॉरी 7 या 8 में मैंने स्केल करना वहां पे भी बता रखा है। स्केल करना आ गया तो फिर हो जाएगा काम। वो सर प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम है या जो प्लान बना है ना, तो प्लान में जो एक नीचे में जो वो बात है वहां पर एक ये एक वहां पे ये है वॉल है, हाँ समझ में नहीं आ रहा है कि ये वॉल, ये आपको ड्राइंग सेंड कर दूं ये इस पे मेल पे सर? मेल पे सेंड कर दो, ठीक है। मैं क्या बोलते लगे तो व्हाट्सएप पे कर दो, ठीक है, पीडीएफ में, ठीक है, और उसमें ना मार्क करके मुझे बता दो कि क्या प्रॉब्लम है, सो देट मैं तुम्हें आंसर कर पाऊँ, ठीक है। अभी मेल करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगा, मेल पे चेक करना होना, ठीक है। व्हाट्सएप कर दो, मेरे लिए इजी रह जाता है, ठीक है, टाइम बचेगा मेरा, चलेगा। ओके, इन्होंने बोला है सर शुड आई हैव स्टडी एडवांस स्ट्रक्चर्स एनालिसिस एमटेक ओके फॉर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ पर बहुत ही डीप लेवल पे आपको डायनेमिक एनालिसिस पढ़ाने वाला हूँ, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का जान होता है, डायनेमिक एनालिसिस बहुत ही डीप में, लगभग 300 पेज का पूरा एक मेरा सीट है पूरा मैंने बना रखा है आपके लिए, जिसमें पी डेल्टा एनालिसिस से लेके सेकेंड स्टेप एनालिसिस, फर्स्ट स्टेप एनालिसिस पूरा डीप में बता रखा हूँ, किस तरीके से सेस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना सकते हो चाहे जितनी हाई राइज हो, उसका CSSD रूल होता है, कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेंथ स्टिफनेस एंड डक्टिलिटी, किस तरीके से काम करता है, इसको पूरा डिटेल लगभग एक हफ्ते में एक्सप्लेन करता हूँ। एक हफ्ता हम लोग डायनेमिक एनालिसिस पढ़ते हैं पूरी ट्रेनिंग में, तो एडवांस के लिए तो आप टेंशन ही मत लो, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टॉपिक्स है, ठीक है, मेरा फेवरेट ही है वो टॉपिक्स। यस, बीम के कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ, जब लोग रैबिट पढ़ते हैं तो वहां पर बीम के सारे कॉन्सेप्ट अजय पढ़ाता हूँ। रीजन ये है, कल को अगर खुद की कंपनी खोलते हो तो आप सब काम कर सको, ये मेरा प्रयास रहता है, ठीक है, तो हम वो भी पढ़ाते हैं इसमें। ऑलरेडी मेरा एक्सपर्टीज यही दो एरिया है, तो डेफिनेटली इन दोनों एरिया पर कोशिश किया जाता है जितना मेरा नॉलेज है सब आप तक पहुंचा दिया जाए। ओके, और किसने क्वेश्चन नहीं पूछा, लगभग लगभग सबने पूछ लिया, ठीक है। हाँ किशन बोलो सर, कंप्यूटर पीसीओ का चलेगा कि लैपटॉप कंपलसरी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पीसी भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, पीसी भी चलेगा, लैपटॉप भी चलेगा, ठीक है। अगर आपका प्रश्न खत्म हो गया हो तो लेसन को यहाँ पर अध्याय को समाप्त किया जाए, और अगर खत्म नहीं हुआ तो पूछो सर। कॉन्फ़िगरेशन क्या रखे लैपटॉप का? कॉन्फ़िगरेशन यार मिनिमम की बात करूँ, मैक्सिमम तो आप जितना अच्छा रखोगे, मतलब कहते हैं ना कि मिनिमम पैकेज कितना है इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम तो आप चाहे जितना पा जाओ, ठीक है। मिनिमम जरूरत होती है 8 GB रैम की और 2 GB ग्राफिक्स कार्ड, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके आगे तुम जितना रख सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है, हेल्प होगा तुम्हारा। इसमें सारा जितना भी सॉफ्टवेयर सारा रन कर जाएगा? सारा रन कर जाएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और ज्यादा है तो आप डेफिनेटली आपके पास जितना पैसा उतना ले लो, ठीक है, बट इन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हाँ जी सुभाषी बोलो। गेमिंग लैपटॉप हो गया ना सॉरी गेमिंग लैपटॉप एनफ हो गया ना? हाँ नहीं नहीं गेमिंग लैपटॉप, मेरा गेमिंग लैपटॉप है जिससे मैं क्लास लेता हूँ, जिससे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये गेमिंग लैपटॉप ही है, तो डेट डजेंट मैटर। हाँ कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। पूछना था कि कितने सारे सॉफ्टवेयर है, तो 4 months विल बी एनफ और मतलब कवर हो जाएगा ना उससे? कवर हो जाएगा, ठीक है। तुम टाइम का टेंशन ही मत लो, ठीक है, टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं आपका मीटिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि 10 बजेगा कि 12 बजेगा, मेरे लिए मैटर करता है कि आप सबका क्वेश्चंस होना चाहिए, ठीक है। आप किसे खोज खोज के मैं आपका क्वेश्चन पूछूंगा, टाइम डजेंट मैटर, क्योंकि अगर मैं टाइम देख के पढ़ाने वाला टीचर होता तो फिर तो अब तक मैं बोलता कि हम निकलना पड़ेगा, मैं निकलना, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है, आपको एक्सपर्ट बनाना मेरा काम है। और सर एक मतलब लेक्चर में डाउट आया तो हाँ वो अगले दिन पूछेंगे ना या उसी दिन पूछ सकते हैं आपको? डेफिनेटली अगर लेक्चर में डाउट आ रहा है तो उस दिन भी पूछ सकते हो, क्योंकि लास्ट का आधा घंटा आपका होता है, दूसरे दिन पूछना है तो दूसरे दिन पूछ सकते हो, बट क्लास में ही पूछ सकते हो, क्योंकि जनरली फोन कॉल्स में कम पिक कर पाऊंगा, आपको पता ही है मेरा क्लास का थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है, ठीक है, तो लेक्चर्स में आपको पूरा टाइम दिया जाता है। ओके अभिजीत बोल। हाँ बोलो बोलो बहुत बोलो सर। आप वो बोल रहे थे कि 10 बजे आपका डाउट क्लास चलता है डेली, करेक्ट, शाम में, करेक्ट, तो उसमें हम लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अरे वेलकम यार, वहाँ तो सारे लोग कर सकते हैं, वहाँ तो यूट्यूब पे जितने लोग दिखते हैं हमें वो सब कर सकते हैं, तो आपका तो वेलकम ही रहेगा। तो वो भी ऐप पर चलता है या? वो भी ऐप पर ही चलता है।
और उसके लिए भी कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं, डाउट लेक्चर भी और अच्छे तरीके से हो सके इसका भी प्लानिंग है। देखो हर समय इंसान को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, तो हम और भी ज़्यादा इफेक्टिव करने वाले हैं कि आपके डाउट्स को कुछ ऐसा हो जाए कि इंस्टेंट कुछ ऐसा रिजल्ट मिलने लगे, ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि आपके जो डाउट्स आए उनके क्वेश्चंस आपके हमारे पास आ जाए, तो कोई अगर सोल्यूशन देने को तैयार हो तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट कि एटलीस्ट आपको कुछ डाउट आया तो हमारी टीम से कोई आंसर कर सकता है क्या करंट में, बाकी डाउट लेक्चर तो अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे अंदर अच्छा नॉलेज है, तो मैंने बोला कि नीलेश सॉरी मोहित, आप अपना जॉब तो कर ही रहे हो, ठीक है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, आप इनके क्वेश्चंस का आंसर करते रहो, आपको भी नॉलेज होगा डेफिनेटली, उसके लिए हम आपको पे भी करेंगे फ्री में, किसी से मैं काम ना कभी कराया हूँ ना कराऊंगा, ठीक है। ऐसा हम लोग बड़ा प्लान कर रहे हैं कुछ। अभिजीत ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर कैन यू गाइड द थ्रू आउट द कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीलांसिंग मेरी एक्सपर्टीज है अभिजीत, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग से ही आपके सामने हूँ। मैं भी जॉब में था बट साइड बाय साइड में फ्रीलांसिंग करके थोड़ा बहुत कुछ कर पाया लाइफ में, तो मैं पूरा आपको बताऊंगा ए टू जेड कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं, कैसे साइट्स पे वेबसाइट पे अपना साइट क्रिएट करते हैं, मतलब अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं, कैसे काम लाते हैं, एवरीथिंग आई विल गाइड, डोंट वरी। एक्स्ट्रा नॉलेज तो आपको भर भर के मिलेगा, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात करोगे तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा हुआ है अपने 6-7 साल के एक्सपीरियंस में, तो वो सब दूंगा। लेक्चर्स कौन से लैंग्वेज में होंगे, लेक्चर अपने नेटिव लैंग्वेज मेरा हिंदी है, ठीक है, हिंदी में मैं दे सकता हूँ। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, दूसरी कोई भाषा मुझे आती नहीं है, संस्कृत पढ़ी थी भूल गया है, और हिंदी और इंग्लिश में चलता है, बट जनरली मैं हिंदी प्रीफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी एक अच्छी लैंग्वेज है, इसी में हमको करना चाहिए क्लास, और इसमें सबको समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज डजंट मैटर, नॉलेज मैटर्स। इंटरव्यू मेरे इंग्लिश में रहता है क्योंकि डेफिनेटली एमएनसीज प्रीफर इंग्लिश, तो इंटरव्यू का जो काम होगा सब इंग्लिश में होगा, पर टीचिंग में कोशिश करता हूँ हिंदी में रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं, ओके सर। ग्राउंड का नॉलेज, सर सॉफ्टवेयर के ग्राउंड का नॉलेज भी मिलेगा क्या? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर। सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड का भी नॉलेज मिलेगा क्या? यस, यहाँ तक कि मैं आपको पहला क्लास में ही ये पढ़ाता हूँ कि सॉफ्टवेयर बनाया किसने, ये सॉफ्टवेयर आया कैसे, थॉट में कैसे आया, किस ईयर में लॉन्च हुआ और किसने इसको इन्वेंट किया, यहाँ तक जाता हूँ मैं, ठीक है। चाहे जो सॉफ्टवेयर हो, तो पहले दिन मैं सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देता हूँ किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद ही आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, ठीक है। आप बहुत इंजॉय करोगे इसको, मैं आसान भाषा में बोल सकता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को बहुत इंजॉय करोगे, किसी भी दिन आपको ये नहीं लगेगा यार क्या, हाँ लेक्चर ज्वाइन कर रहा हूँ, हर दिन लगेगा कुछ नया सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आई थिंक विल स्टॉप हियर, दैट इज सफिशियंट फॉर यू ऑल। किसी को कुछ और डाउट रहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पर वार्तालाप कर सकते हो, ठीक है, लाइक फी वगैरह के रिलेटेड भी कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो, और भी कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा वक्त लगेगा मुझे रिप्लाई करने में, बट रिप्लाई जरूर आएगा 110%। चलिए, थैंक यू सो मच, विल सी यू ऑन 10th ऑफ अगस्त, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग आए तो और मजा आएगा, ठीक है, फ्रीलांसिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अश्मिता, वेरी गुड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर ऑल्सो अश्मिता, इट डजेंट मैटर, ठीक है, यहाँ पे सब अपने लोग हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क हियर, बट मैं फ्रीलांसिंग पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके नाउ चलिए ठीक है, आपको 10 अगस्त पे आपके सबकी मुलाकात होगी, फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।